अरे आप लोग क्या हाल चाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है, मज़े में है भाई। पहचाना मुझे? अरे मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग, वही जो 2 महीने पहले यूट्यूब पे आ रहा था और गायब हो गया था 2 महीने से। किधर गायब था सब आपको बताएंगे, मैं क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, कहाँ गायब हो गया था, क्या वजहें थी, सब कुछ आपको बैठ के सही से बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ यूट्यूब पे। तो आज है भाई, नीचे बैठ के बात करते हैं और आपको अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि हम कहाँ गायब थे 2 महीने से, क्या वजहें थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था यूट्यूब पे ना। तो आ जाएं, एक सेकंड में ज़रा ये वॉल तो बंद कर लूँ, पानी दे रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो यहाँ का खड़े आए ना, आ जाए जी। भाई आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ था, तो मेरे बताने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को खुद दिखा दूँ। ये चेक कराएं आप, सारे गमले शमले जो है बन गए हैं और जो यहाँ सारे पौधे लगे हुए थे वो सारे गार्डन में आ गए हैं। ये सारा एसी का सारा सामान, ये आ गया गीज़र और ये आउटर्स आ गए ऊपर से छत से, ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया, ये सारा सामान पैक हो गया, सारा किचन का सामान पैक हो गया, वो सारा सामान पैक हो गया, ये भी सारा सामान जो है पैक हो गया, ये भी पैक हो गया, सारा सारे रूम का भी सारा सामान पैक हो गया। अब आते हैं मेन बात पे कि सारा सामान क्यों पैक हुआ। भाई असल में मेरी शिफ्टिंग चल रही है। हाँ जी, तो मैं बैरियर टाउन से वापस शिफ्ट हो गया हूँ कराची, और इसी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था। हालांकि ये व्लॉग बनाने का बहुत अच्छा मौका था, मगर मैंने थोड़ा गैप लेने का सोचा था क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ चेंजेस करना चाह रहा था, और इसी वजह से मैंने थोड़ा गैप लिया। मगर भाई गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया, ट्रक भी रास्ते में ही है, ट्रक भी आ रहा है, इंशाल्लाह ट्रक आ जाए फिर उसके बाद जो है सामान ट्रक में डालेंगे। ट्रक जो है आ चुका है, एक ट्रक यहाँ खड़ा है और एक ट्रक वहाँ खड़ा है, ये सारा सामान जो है ये। बड़े मजे कर लिया आप लोगों ने अभी, आपको इंशाल्लाह शहर में मजे कराएंगे इंशाल्लाह। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं इतनी अच्छी और इतनी स्टैंडर्ड सोसाइटी को छोड़कर वापस कराची क्यों आ गया। तो भाई आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये जो स्टेप था ना, ये स्टेप उठाने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो सिर्फ कन्वेंस है। क्योंकि मैं और पापा कहीं बाहर और घर वालों को अगर कहीं जाना हो तो प्रॉब्लम, क्योंकि लेकर जाने वाला कोई नहीं। और अगर हम घर पर भी हो तो हमारी रनिंग इतनी ज्यादा है, दिन में 2 से 3 बार हमारा कराची ही आना होता है, क्योंकि जो इस तरह में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो अलग। अबाउट 45 मिनट्स जो है आने का रास्ता है और 45 मिनट्स जो है वो जाने का रास्ता है, तकरीबन 90 मिनट्स की ड्राइव है सिर्फ आने जाने में। तो ये प्रॉब्लम है ना, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 90 मिनट जो है आपका आने जाने का सिर्फ रास्ता, और अगर कहीं ट्रैफिक हो कि कहीं किसी जगह पे आपको पहुंचना और वहाँ पे आपको रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल जाए तो उसका अलग टाइम गेन होता है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम थी ना, जिस वजह से हम वापस यहाँ शहर शिफ्ट हुए, वो सिर्फ कन्वेंस की थी। अगर बैरियर टाउन को अच्छी कन्वेंस निकाल के रखता, कोई अच्छी फैसिलिटी हमें देता कन्वेंस की, हालांकि कन्वेंस है बैरियर टाउन की भी, लेकिन हम जिस प्रेसेंट में रहते थे और जिस प्रेसेंट से कन्वेंस चलती थी बैरियर की, उसमें बहुत ज़्यादा फासला था, तो इसी वजह से खड़े वहीं पर ही है ना हम, तो इसी वजह से हम लोग वापस यहाँ शहर शिफ्ट हो गए। पूरा घर खाली हो गया, बस ये रहता है ना अभी, रूम भी खाली हो गया, फैन ये भी पूरा खाली हो गया, मेरा रूम कैसा खाली हो गया पूरा, ऊपर वाले फ्लोर पे जो है ना एक ट्रक पूरा फुल हो गया, ये पूरा लोड हो गया। अब इसको साइड में करेंगे और दूसरा ट्रक लाएंगे और फिर नीचे वाला फ्लोर। वो ये बाहर कैसे निकल गया? ये हमने एक कबूतर है ना, इसको पकड़ा है, ये देख नीचे चलो, जाओ बेटा अंदर चले जाओ, अभी आपका काम नहीं है बाहर, जाओ 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 जाओ, आ जाओ, चलो जाओ, चला गया अंदर, देखना अंदर कैसे भागेगा। रहता क्या क्या है यहाँ पर? बस ये सोफे रहता है और ये छोटा मोटा सामान रहता है, किचन का भी सारा हो गया, बस ये वाला रूम का रहता है। जा रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है भाई, एफआर की खुशी का लेवल चेक करें आप। 1 घंटे में सारा सामान ऊपर का, नीचे का, दोनों फ्लोर जो है, बाहर का सारा सामान, सब कुछ जो है ना 1 घंटे के अंदर सारा ट्रक में आ गया। बस ये फ्रिज रहता है, फ्रिज को इस बॉक्स में डालेंगे, फ्रिज भी जो है पैक हो जाएगा, बाकी ये भी सारा हो गया। ये फ्रिज रह गया, ये फ्रिज जा रहा है।
वाली खिड़कियाँ भी बंद कर लें, ये भी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। कभी आप लोगों ने इस खिड़की के बाहर का नहीं देखा ना क्या दिखता है, इस खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिखता, इस खिड़की के बाहर बराबर वाला घर दिखता है। चलो भैया कैसा हो गया, अब आप करूँ रास्ता इनको गाइड कर दिया है गूगल मैप में ना, इनको लोकेशन लगा के दे दी है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे जब तक हम लोग भी पहुंचते हैं। भाई बचा कुचा सामान जो है हमने गाड़ी में डाल दिया है, पीछे की जो मेहरान की सीट है उनको फोल्ड कर दिया है, घर चले अब नए घर चले, नए घर चलो भाई इंशाल्लाह नए घर चलते हैं। अभी खज्जियाँ चेक करें आप, खज्जिया कैसी आ गई है इसमें, ये गार्डन बड़ा याद आएगा यार। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप भाई दुनिया के जिस भी कोने में रह लो, जितनी भी वेल स्टैंडर्ड सोसाइटी में रह लो, मगर जो मजा और वॉइस कराची में रह रहे की है ना, वो मजा आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई कराची तो कराची है ना यार। ऑफ बोली एक लॉन्ग टाइम के बाद मुलाकात कर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, और हाँ सब्सक्राइब तो फिर कंपलसरी है ना, तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे एक अच्छे और नए कॉन्टेंट के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।